मध्य प्रदेश में उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार शुरू हो गया है। प्रचार और जीत के दावे के बीच बागियों ने दोनों ही दलों की चिंता बढ़ा दी है। बागियों के मैदान में उतरने से दोनों ही दलों के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं, लिहाजा दोनों तरफ ही मान मनोवल का दौर भी शुरू हो गया है। अलीराजपुर जिले के जौबट विधानसभा से दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के भतीजे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दीपक भूरिया ने अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। वहीं दीपक भूरिया के नामांकन दाखिल करने की खबर से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने कहा कि उनसे चर्चा कर उनको मनाया जाएगा। वहीं 13 अक्टूबर तक वो नामांकन वापस भी ले लेंगे। उधर सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के पुष्पराज बागरी को भी मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की। कहा यह भी जा रहा है कि पुष्पराज बागरी को मना लिया जाएगा। चुनाव लड़ेंगी बहन प्रतिमा जी, लेकिन सचमुच में दिल जीता आज पुष्पराज बागरी। ये भारतीय जनता पार्टी है, कई दिनों से वो लगातार जनता के संपर्क में थे। कोई भी कार्यक्रम पार्टी का हो आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे।